विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर एन बी साठे आपलं सहर्ष स्वागत करतो आजच्या या इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्टच्या 46व्या लेक्चर मध्ये। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लास्ट लेक्चर मध्ये फंक्शन जनरेटर हा पॉइंट पाहिला होता, ठीक आहे, त्याची ब्लॉक डायग्राम, नंतर त्याचं वर्किंग कसं होतं ते पाहिलं आपण, फंक्शन जनरेटर, नंतर त्याचे काही ऍप्लिकेशन पाहिले आपण। नाउ इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the tri vector meter, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट फ्रॉम आवर सिलेबस, राइट, हा शेवटचा पॉइंट आहे आपल्या सिलेबस मधला, ट्राय व्हेक्टर मीटर। ही त्याची डायग्राम आहे, त्याच्यामध्ये काय काय पॉइंट दिलेत, ड्राइव्ह फ्रॉम एनर्जी मीटर, देन हियर आर द रॅशे कपलिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, रॅशे कपलिंग दिलेले, देन कॉमन ड्रायव्हिंग बार आहे हा, दिस इज द नंबर डिस्प्ले अँड दिस इज द ड्राईव्ह फ्रॉम रिएक्टिव्ह मीटर, ठीक आहे। तर ही अशी डायग्राम असते ट्राय व्हेक्टर मीटरची। ऍक्च्युअली ट्राय व्हेक्टर मीटर कसं दिसतं, तर हे हा त्याचा फोटोग्राफ आहे, ठीक आहे, जसं आपलं एनर्जी मीटर घरामध्ये असतं डिजिटल टाईपचं, सेम कसं दिसायला हे ट्राय व्हेक्टर मीटर असतं, ठीक आहे। एनर्जी मीटर हमने ऑलरेडी उसका एक्सप्लेनेशन दिया देखा है फोर्थ चैप्टर में, ठीक, तो सेम जैसा एनर्जी मीटर दिखता है वैसे ही आपका ये ट्राय वेक्टर मीटर दिखता है, ठीक। ये यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्राय वेक्टर मीटर दिया है, यहाँ पे एलएनटी का है ये, ठीक है। तो अभी इसके एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स क्या क्या लिखना है देखो। सो ट्राय वेक्टर मीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द एक्टिव रिएक्टिव पावर एंड टोटल एनर्जी कंज्यूम। ट्राय वेक्टर मीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हम एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड वहां की टोटल एनर्जी जो कंज्यूम होती है उसको मेजर करने के लिए ये मीटर यूज करते हैं, ठीक। ट्राय वेक्टर मीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट असतं जे आपण एक्टिव, रिएक्टिव आणि टोटल एनर्जी जी कंज्यूम होते त्याला मेजर करण्यासाठी हे मीटर आपण यूज करतो, त्याला आपण ट्राय वेक्टर मीटर असं नाव दिलं। सो दे आर नॉर्मली यूज इन सबस्टेशन्स टू मेजर द पॉवर फ्लोइंग थ्रू द फीडर्स। हे जे ट्राय वेक्टर मीटर्स असतात ते नॉर्मली सबस्टेशन्स मध्ये यूज केलेले असतात, जी पॉवर फ्लो होत असते तिथल्या फीडर्स मधून, अँड फॉर बिलिंग द इंडस्ट्रियल कन्झ्युमर्स, ठीक आहे। जी पॉवर फ्लो होत असते तिथल्या फीडर्स मधून तिला मेजर करण्यासाठी सबस्टेशन मध्ये आपण हे नॉर्मली मीटर्स यूज केलेले असतात, आणि फॉर बिलिंग द इंडस्ट्रियल कंझ्युमर, इंडस्ट्रियल कंझ्युमर्सला बिल देण्यासाठी आपण हे ट्राय वेक्टर मीटर्स इथं यूज करतो, ठीक आहे। जसं आपल्या डोमेस्टिक कंझ्युमरसाठी बिल देण्यासाठी आपण एनर्जी मीटर यूज करतो, तसं इंडस्ट्रियल कंझ्युमरसाठी बिल देण्यासाठी आपण हे ट्राय वेक्टर मीटर्स यूज करतो, ठीक आहे। नॉर्मली हे सबस्टेशन्स मध्ये यूज केले जातात कशासाठी, तर जी पॉवर फ्लो होत असते तिथल्या फीडर्स मधून तिला मेजर करण्यासाठी हे ट्राय वेक्टर मीटर्स सबस्टेशन्स मध्ये यूज केलेले असतात। सो इट इज अन इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मीटर विच गियर्स अँड रॅशे कपलिंग मेकॅनिझम। हे एक इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मीटर असतं ज्याच्यामध्ये गियर्स असतात आणि रॅशे कपलिंग मेकॅनिझम असतं, ठीक आहे। इथं ब्लॉक मध्ये ब्लॉक डायग्राम मध्ये दाखवलंय आपण, तर दीज आर दी रॅशे कपलिंग मेकॅनिझम, ठीक आहे, आणि याच्यामध्ये काही गिअर्स पण असतात। सो इट कन्सिस्ट ऑफ 5 गिअरिंग सिस्टीम्स, हॅज, याच्यामध्ये 5 गिअरिंग सिस्टीम्स असतात, त्या खाली दिलेल्या आहेत इथं। गिअरिंग सिस्टीम 1 फॉर वॅट आवर मीटर, ठीक आहे, गिअरिंग सिस्टीम 1 दिलेली इथं। सो दिस इज गिअरिंग सिस्टीम 1, इट इज कशासाठी यूज केलेली ही, फॉर वॅट आवर मीटर। गिअरिंग सिस्टीम 2 फॉर वॅट आवर मीटर विथ पॉवर फॅक्टर 0.924 अँड ड्रिव्हन ऍट रिड्यूस स्पीड। गियरिंग सिस्टम 2 यूज करते हैं हम वहां के पावर फैक्टर, सॉरी वैट आवर मीटर के लिए, जिसका पावर फैक्टर 0.924 होता है एंड वो ड्रिवन किया जाता है रिड्यूस स्पीड पे, ठीक है। ये होता है आपका गियरिंग सिस्टम 2। देन इसमें गियरिंग सिस्टम 3 होता है, सो फॉर वैट आवर मीटर इट इज ऑल्सो यूज फॉर वैट आवर मीटर विथ पावर फैक्टर 0.707 एंड ड्रिवन एट रिड्यूस स्पीड, ठीक है। गियरिंग सिस्टम 3 हम वहां के
वाट आवर मीटर के लिए यूज करते हैं, जिसका पावर फैक्टर 0.707 होता है, और वो भी आपका ड्रिवन किया जाता है रिड्यूस स्पीड पे। नंतर चाहे गियरिंग सिस्टम फोर की सुधा अपन वाट आवर मीटर साठी यूज करतो, जिसका पावर फैक्टर 0.383 असतो, आणि ही सुद्धा आपण ड्रिव्हन करतो रिड्यूस स्पीड वरती। देन आहे गिअरिंग सिस्टीम 5, ही आपण पर रिएक्टिव्ह मीटर ड्रिव्हन ऍट नॉर्मल स्पीड, रिएक्टिव्ह मीटर साठी यूज केलेली असते गिअरिंग सिस्टीम 5, आणि ती नॉर्मल स्पीडला तिथं ड्रिव्हन केली जाते। ठीक, अशा 5 गिअरिंग सिस्टीम आपल्या ट्रायव्हेक्टर मीटर मध्ये इथे दिलेले आहेत। ठीक आहे, सो व्हेनेवर पॉवर फॅक्टर ऑफ द लोड चेंजेस देन द ड्रायव्हिंग मेकॅनिझम शिफ्ट्स टू रिस्पेक्टिव रॅशियो कपलिंग। ठीक है, वहां का अगर पावर फैक्टर जो है लोड का वो अगर चेंज होता है तो ड्राइविंग मैकेनिज्म वो शिफ्ट होता है आपके रिस्पेक्टिव रैशेस कपलिंग से। ठीक है, ड्राइविंग मैकेनिज्म शिफ्ट होता है ड्राइविंग मैकेनिज्म शिफ्ट टू रिस्पेक्टिव ड्राइविंग सिस्टम मैकेनिज्म शिफ्ट होता है वहां के रिस्पेक्टिव रैशे कपलिंग पे एंड सिस्टम ड्राइव द मैकेनिज्म। वहां की सिस्टम क्या करती है, वो मैकेनिज्म को ड्राइव करती है। ठीक है, जेव्हा पॉवर फॅक्टर जो आहे लोडचा आपला तो चेंज होतो तेव्हा ड्रायव्हिंग मेकॅनिझम शिफ्ट होतो तिथल्या रिस्पेक्टिव्ह रॅशियो कपलिंग वरती, आणि त्यावेळेस सिस्टम जिथं त्या मेकॅनिझमला ड्राइव्ह करते। देन नेक्स्ट, द डिस्प्ले युनिट इज कनेक्टेड टू कॉमन ड्राइविंग बार। डिस्प्ले युनिट वहां पे कनेक्ट किया होता है आपके कॉमन ड्राइविंग बार को। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये डिस्प्ले यूनिट है, वो कॉमन ड्राइविंग बार को कनेक्ट किया होता है। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट इज कनेक्टेड टू कॉमन ड्राइविंग बार एंड द रिस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ केवीएएच आर डिस्प्लेड ऑन इट, एंड रिस्पेक्टिव नंबर जो होते हैं वहां के केवीएएच के, यानी ये आपकी एनर्जी होगी। ये एनर्जी का यूनिट है, मैंने आपको फोर चैप्टर में बताया था। ठीक है, एनर्जी का यूनिट केवीएएच यानी किलो वोल्ट एम्पियर आवर ये होता है जो डिस्प्ले होता है वहां के डिस्प्ले यूनिट पे। ठीक है, डिस्प्ले युनिट हे कुठं कनेक्ट केलेलं आपण तिथल्या कॉमन ड्रायव्हिंग बारला, आणि रिस्पेक्टिव्ह नंबर जे आहेत केव्हीएएच चे ते त्या डिस्प्ले युनिट वरती इथं डिस्प्ले केले जातात। ठीक आहे, इथं समजलं। तर हे अशा प्रकारचं आहे आपलं ट्रायव्हेक्टर मीटर। ठीक आहे, हे त्याचं वर्किंग झालं। त्याची ब्लॉक डायग्राम जर विचारली आपल्याला एक्झाम मध्ये तर ही ब्लॉक डायग्राम आपल्याला काढता येईल। एसी सप्लाय आहे, हा लोड आहे इथं कनेक्ट केलेला। देन हियर वोल्टेज करंट एंड फेज एंगल मेजरमेंट अगर करना है तो ये इसके लिए ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक, देन ये है आपका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, कीबोर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर्स सेटिंग्स एंड कैलिब्रेशन। ठीक है, और ये है आपका डिस्प्ले यूनिट। तो ऐसी ब्लॉक डायग्राम आपको मेन एग्जाम में निकालनी होती। अगर ब्लॉक डायग्राम पूछते हैं आपको ट्रायवेक्टर मीटर की तो ये डायग्राम निकालनी है। ठीक है, और सिर्फ ट्रायवेक्टर मीटर एक्सप्लेन करने को बोला तो आप ये डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वेरियस मेजरमेंट्स ऑफ पॉसिबल फ्रॉम ट्रायवेक्टर मीटर आर। ट्रायवेक्टर मीटर से हम कौन कौन से मेजरमेंट्स वहां पे ले सकते हैं, ये दिया है यहाँ पे। सो फर्स्ट, ट्रायवेक्टर मीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। सो विच मेजर्स किलोवाट आवर एंड किलोवाट आवर किलो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आवर। ठीक है, एंड द किलो वोल्ट एम्पियर आवर ऑफ द पावर लाइन, ये सारे क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए ये ट्राइवेक्टर मीटर यूज किया जाता है। ये एक मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या क्या मेजर करता है, किलोवाट आवर, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आवर एंड केवीएएच किलो वोल्ट एम्पियर आवर पावर लाइन का ये मेजर कर सकता है ट्राइवेक्टर मीटर। ठीक है, सो ट्राइवेक्टर मीटर इज एन एनर्जी मीटर विच एक्यूरेटली मेजर्स ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द सप्लाई सच एज। ट्राइवेक्टर मीटर ये एक आपका एनर्जी मीटर ही है। ठीक है, जो एक्यूरेटली वहां पे सारे पैरामीटर जो होते हैं सप्लाई के उसको मेजर करता है। सप्लाई के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, वोल्टेज है, करंट है, पावर फैक्टर है, एक्टिव लोड है, रिएक्टिव लोड है, अपरेंट लोड है, तो ये सारे पैरामीटर्स को वो मेजर कर सकता है। ठीक है,
तो ये है आपका ट्राइवेक्टर मीटर. सो हियर कंप्लीट्स योर द होल सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट सब्जेक्ट. ठीक है, आप तो पूरे सिलेबस में किसी को डाउट्स है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. ठीक, मैं हर एक वीक में आपको एक एक असाइनमेंट देने वाला हूँ. एक ऑलरेडी असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है आपको और उसको कन्वर्ट करके पीडीएफ में मुझे भेजना है. ठीक है, अभी ये वीक में आपको मैं आपको सेकंड असाइनमेंट देने वाला हूँ. ठीक है, तो उसको भी वैसे एक तरीके से ही आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है. ठीक, तो अलग अलग टाइप के असाइनमेंट हम अभी इसके आगे के लेक्चर में देने वाले हैं और उन सारे असाइनमेंट को आपको सॉल्व करना है. ठीक, सो वी विल स्टॉप हियर. ठीक है, यहाँ पे हम रुकेंगे. आपको पूरे सिलेबस में कौन से भी पॉइंट में अगर डाउट है मेजरमेंट के तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.